गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत साधारण सा आसान सा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, कोई चार्ज है, ये कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पिक्चर के रूप में विजुअलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विजुअलाइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज के चारों तरफ। इसके ये फ्राडे के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। फ्राडे नाम का एक जो साइंटिस्ट था, उसने ये कंसेप्ट दिया था। इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमें वो भी समझना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ होता है जो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। जैसे ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कोई स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ होता है जिसके किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, जैसे यही कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं, तो वो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाती है उस पॉइंट के ऊपर। जैसे मैंने ये क्यू पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रा की, तो इस टेंजेंट ने यहाँ पे क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ है, जैसे मैंने ये पाथ ले लिया ऐसे, कोई स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ है जैसे ये लिया ऐसे, और उसके किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाती है उस पॉइंट पर जहां से आपने ड्रा किया था। एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दें, फिर वो जो पाथ फॉलो करता है, वो फिर जिस पाथ के अलोंग वो मूव करता है, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो दो डेफिनेशन थी, आराम से आप इसे समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहली डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ होता है जिसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाता है उस पॉइंट पे। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप फ्री छोड़ दें तो वो एक्चुअली जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा वो पाथ ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जैसे देखिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये कोई, या कोई यूनिट सॉरी कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होगी, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस कंडीशन में रेडियली इनवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, आपके पास पेयर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी, फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी। और आपके पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, आपके पास एक पेयर है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज का, तब समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी।
ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होती, तो यहाँ से भी रेडियली आउटवर्ड ही होगी, ऐसे होगी, इससे भी ऐसे ही होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में भी, लेकिन जो इधर होगी उसमें क्या होगा कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो वो ऐसे नहीं होगी, फिर वो ऐसे होगी, होगी अभी भी वो आउटवर्ड ही, लेकिन फिर वो ऐसे होगी। और जो लाइन इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को जोड़ रही है उसका जो सेंटर है वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, पी जो है ये क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब दोनों चार्ज सेम चार्ज हो, दोनों चार्ज कैसे हो, सेम और इक्वल चार्ज हो, तब न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्ज के बिल्कुल सेंटर में होता है। लेकिन अगर आपके दोनों चार्ज सेम ही हो, मान लीजिए अभी भी पॉजिटिव ही चार्ज है, लेकिन एक चार्ज ज़्यादा है और दूसरा चार्ज कम है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड ही होती है, तब भी वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी। ऐसे बस एक फर्क पड़ेगा, और वो बीच में जो लाइनें हैं वो इस तरीके से जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर इनकी जो लाइन जोड़ दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइंट करती है उस लाइन के एकदम सेंटर में आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये अनइक्वल चार्ज है, अनइक्वल चार्ज है तो जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम पढ़ते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगी, आपके पास पेयर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, लेकिन अगर आपके पास पेयर है दोनों ही पॉजिटिव चार्ज का और दोनों ही चार्ज इक्वल चार्ज है तब क्या होगी, तब भी वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, लेकिन उस समय क्या होगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट है, अगर इक्वल चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट एकदम सेंटर में होगा, लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज का पेयर है तो तब भी रेडियली आउटवर्ड ही होगी, लेकिन अगर अनइक्वल चार्ज है तो फिर आपका न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ हो जाएगा। लेकिन आपके पास कोई सीट है, पॉजिटिव चार्ज सीट है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, तब वो इस सीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सॉरी रेडियली नहीं आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज की ये सीट है तो ऐसे आउटवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड